सभी देशवासियों को मेरा जय भी जय भारत नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से और आज हम बात करेंगे डॉक्टर बने सिंह गौतम जी से जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं आज के, और सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगे, एनआरसी पर भी बात करेंगे और बहुजन समाज से रिलेटेड मूवमेंट पर भी बात करेंगे और बाबा साहब आइडियोलॉजी और बुद्धिज्म पर भी बात करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में डॉक्टर बने सिंह गौतम जी, हमारे अम्बेडकर नेशन YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप जो अभी सीए का मुद्दा जो पूरे देश में बहुत बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है सीए का जी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? धन्यवाद गौतम रत्ना जी, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया अंबेडकर नेशन YouTube चैनल पर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इस चैनल का भी बहुत आभारी हूँ। मैं आज पहली बार इस चैनल में आया हूँ तो मैं गौतम रत्ना जी आपका धन्यवाद देता हूँ और आपके अंबेडकर चैनल यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गौतम रत्ना जी, आपने सीए और एनआरसी पर बात की, तो सीए और एनआरसी ये अपने में यहाँ के जो करीब करीब जो 85% 90% जो लोग हैं हमारे देश की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहती है उसको बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है जो एनआरसी या सीए जो लेके आना चाहती है, ये सीए है क्या? सीए लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका इस सरकार ने निकाला है और वो सीए एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम वर्सेस बना दिया गया। जी जी, लोग हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करते रहे, लोगों को रोजगार के मुद्दे से बहकाना ये सरकार का एक एजेंडा है। मेरे ऐसा मानना है कि ये सरकार का एजेंडा है लोगों को बहकाना है, एक तरफ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं है क्या ये सीए एनआरसी क्या करना चाहते हैं। सीए एनआरसी लाकर के इस देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, जो जिन लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, जो लोग छपरों में जाके रहते हैं, जिन लोगों के छपरों में आग लग जाती है, हवा चलती है, वो लोग कहां से अपना बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र ला सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल है, अभी जो इलेक्शन हुए दिल्ली के अंदर जी, जो हमारा जो बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी जी, जिसके लिए आप काम करते रहे हैं जी, उसका तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, इसके पीछे क्या देखते हैं आप, क्या कारण है? पिछले लोकसभा इलेक्शन में 0.9% था और अभी वो 0.70% रह गया है, इसके पीछे क्या कमियां हैं, क्या किस तरह से देखते हैं आप? गौतम रत्ना जी, ये विशेषकर मुद्दा जो आपने रखा है जो राजनीति में, मैं ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है, मैं इस पर आपको अपनी बात बताना चाहूँगा। अभी जो चुनाव हुआ है दिल्ली प्रदेश के अंदर, तो दिल्ली प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने में खुशी महसूस करती हैं, और मेरा ऐसा मानना है न बहुजन समाज पार्टी इसमें खुश है, न मेरा जैसा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता खुश है, क्योंकि ये चुनाव जो हुआ है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से लेके 8 सीट पर लेके चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है और कांग्रेस इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन दोनों से इत्तफाक नहीं रखती है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इसे इत्तफाक इसलिए नहीं रखता है कि इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो बहुजन समाज के लोगों का नुकसान हुआ है। गौतम रत्ना जी, इस देश में जिसकी भी सरकारें बनती हैं, जिन प्रदेशों में जिस देश के अंदर भी केंद्र की सरकार बनती है, वो केंद्र के सरकार या राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी होती है और वो नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकारों की कि लोगों का विकास पूर्ण तरीके से उनका काम करने का वो बनता है, तो ये इनका जिम्मेदारी है कि ये अपना इस काम को करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा बहुजन समाज का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, इस देश में जो दलित पिछड़ा अत पिछड़ा जो लोग है वो जैसे मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि इस देश में एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कांग्रेस को वो सांपनाथ कहते थे और उसको बीजेपी को नागनाथ कहते थे, मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों एक सांपनाथ है एक नागनाथ है और तीसरा ये कोबरा पैदा हो गया है, ये कोबरा पैदा हो गया है। हम आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, अगर हम आप सरकार की कुछ स्कीम्स देखें
तो वो बहुजन समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे स्कीम्स दिए हैं। जैसे पहली बार पूरे देश के अंदर किसी गवर्नमेंट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कूल्स में पढ़ाना चालू किया है। एक भीम योजना उनकी लाए जिसमें कि बहुजन समाज के लोगों को उससे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आप किस किस तरह से इस तरह से आप देख पा रहे हैं इस चीज को? गौतम रत्ना जी, मैं इस सरकार का जो अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट करता हूं, और अच्छा काम कोई भी सरकार करती है उसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। मैं इस चीज के लिए जो दिल्ली की जो सरकार रही और जो अब बनने वाली है, मैं उसको इसके जो लेके आए हैं बाबा साहब। आप कोबरा कैसे कह रहे हैं? मैं कोबरा के पे आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग जो इस दिल्ली के अंदर रहते हैं, बड़ी तादाद में झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर रहते हैं, आज उनके बच्चों के लिए मैं आपको थोड़ा सा शिक्षा की तरफ बताना चाहूंगा। जो एक तरफ जो बजट होता है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों का, वो जो बजट है सही मायने में वो जितना उनको चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता है। जैसे उनको स्कॉलरशिप है जिन बच्चों के, जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 2007 में सरकार थी गौतम रत्ना साहब, तो मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो दलित पिछड़े समाज के लोग जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई कर जाया करते थे, उन बच्चों के लिए एक नियम बना दिया था कि जो बच्चा टेस्ट क्वालिफाई कर गया, अगर वो काउंसलिंग में जाता है और काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज उसको डिप्यूट होता है उस कॉलेज में अगर बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उसके पेरेंट्स को वहां जाके कोई पैसा 1 रुपया जमा नहीं करना होता था। आज पूरे देश में केंद्र की सरकार। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है, जो भी एक संगठन बहुत कम टाइम में बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश में उभरा है, जो बहुजन समाज से रिलेटेड उनकी एक्टिविटी है, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे वो लोग भी, भीम आर्मी जी। भीम आर्मी, मैंने पीछे चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू किया था एक प्रोग्राम में, 6 दिसंबर को बाबा साहब के पुण्यवान दिवस पर वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि जब साहब काशीराम इस समाज को जोड़ने के लिए इतना कोशिश किया उन्होंने, तब भी जितने भी उस टाइम जो लीडर्स थे, चाहे वो मौर्य रहे हों, चाहे वो पासवान रहे हों, चाहे वो अठावले रहे हों, चाहे जोगिंदर कवाड़े रहे हों, चाहे बामन मिश्र, सबको जोड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन तब वो भी इकट्ठा नहीं हो पाए। एक तरफ चंद्रशेखर सुप्रीमो ऑफ भीम आर्मी, वो कहते हैं बहुजन की सरकार बनाएंगे, तो बहुजन की सरकार कैसे बनाएंगे? क्योंकि कभी भी जो बहुजन लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ के चक्कर में वो इकट्ठा एक जगह पर होते नहीं है। तो जब मैंने चंद्रशेखर जी से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि जो काशीराम साहब ने किया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरा जो फोकस है, मैं जो तैयार करना चाहता हूं, मैं समाज के यूथ को तैयार करना चाहता हूं। लेकिन उस यूथ में, उस यूथ को किस तरह से तैयार, मैं जो यूथ को देखता हूं, उनका जो यूथ है, मेरी बहुत यूथ से बात होती है, बहुत सारे सोशल अपडेट पर आपने भी देखा होगा, आप भी आजकल सोशल अपडेट पर आदमी है जी, जी। तो वो जाति सूचक शब्दों का अपने नाम के पीछे संबोधन कर रहा है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, गर्व से कहो हम इस जाति से हैं, जाति का नाम लगा करके, मैं जाति का नाम मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता, लगाना नहीं चाहता हूं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये कहां तक जायज है जाति के नाम का, क्योंकि बाबा साहब ने तो जातिहीन समाज और बुद्धिज्म की बात की थी। गौतम रत्ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भीम आर्मी के जो सुप्रीम वो हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि अपने को बहुजन समाज का कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को वो इस देश में सरकार देखना चाहते हैं, शासक बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाना चाहते हैं, वो बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके रखना चाहते हैं। वो कैसे, बाबा साहब डॉक्टर, आपने जैसे कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद जाति के खिलाफ थे, बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, बाबा साहब चाहते थे कि इस देश का कल्याण हो, देश का कल्याण जब ही होगा जब ये देश जाति विहीन समाज बन जाएगा, जाति विहीन देश बन जाएगा। अगर हम ये तो एक चीज कहते हैं कि भाई जाति के आधार पर कहते हैं, वैसे मैं चंद्रशेखर भाई की बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं, लेकिन उसमें भाई चंद्रशेखर की भी गलती नहीं मैं मानता हूं, जातियां जो बनाई हैं वो ना चंद्रशेखर ने बनाई हैं और ना ही माननीय कांशीराम जी ने बनाई थी, ना परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई, ना साहू जी ने, ना फूले साहब ने, ये जातियां जो मनु जी ने जो बनाई थी, ये जातियों का दोष तो आप उन पर लगाना चाहिए, लेकिन मैं भाई चंद्रशेखर जी को अपने आपके चैनल से, अम्बेडकर नेशन चैनल से,
के माध्यम से मैं उनसे भी कहूंगा कि आप ये जाति को तोड़ करके, जो मानवर कांसी राम जी ने एक नारा दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, एक आंदोलन चलाया था, मैं आपको बताऊंगा सन 90 के आसपास का ये आंदोलन था, जिसमें मैं भी शरीक रहा। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं भी गया साइकिलों पर, तो गांव गांव में ये बहुत जागृति जत्था के माध्यम से हम लोग जाते थे और लोगों को जोड़ते थे, और बहुत अच्छा भाईचारा बना। और वही भाईचारा जो बना हुआ था, आज बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मुझे कोई वो नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी लीडर हैं, लेकिन उनके आसपास में जो लोग नेता, जो चमचे टाइप के लोग जो जुड़ गए हैं माननीय बहन जी को, जो अपनी बात को नहीं बताते सही बात को, जो लोगों के पीछे का बैक फीड जो उन्हें देना चाहिए कि आज लोग क्या चाहते हैं, आज हमारे देश के अंदर आज जो यूथ की बात, तो आपका मतलब है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र दिल्ली में हुआ, इतने कम जो वोट मिले हैं, उसके पीछे की एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको जो फीडबैक जो देने वाले लोग हैं वो सही फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं कि आम आदमी, बहुजन समाज या देश के लोग क्या चाहते हैं। जी जी जी, मैं इसी पे आपको बताना चाह रहा था कि जैसे अब आज भीम आर्मी कैसे पैदा हुई। भीम आर्मी इसलिए पैदा हुई कि जो हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन जी ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी, माननीय बहन जी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और माननीय बहन जी उन पर पूर्ण विश्वास करती थी, लेकिन उन नेताओं ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को धोखा देने का काम किया। जैसे हम मान के चलिए, जैसे यूथ की बात आपने जैसे करी, चंद्रशेखर आजाद जो है, तो फिर क्यों ना बहन जी को भी एक यूथ विंग खड़ा कर देना चाहिए। हाँ, मुझे जो लगता है। जी 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 बिल्कुल, मैं उसी पर आपकी बात पे आ रहा हूँ, जो आपने कहा कि यूथ विंग बिल्कुल खड़ा करना चाहिए, और उस यूथ विंग की भी हाथ माननीय बहन जी को अपने हाथों में रखनी चाहिए, जिससे कि कोई संगठन, जैसे माननीय बहन जी के हाथों में बहुजन समाज पार्टी सुचारू रूप से सही चलती है, उसी तरीके से वो जो हमारा यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, आज देखिए समस्या है गौतम साहब, जो स्टूडेंट पढ़ता है कॉलेजों में, उनकी समस्या हमारे नेता नहीं जाके सॉल्व करते हैं, हमारे नेता सिर्फ ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं। हमारे छात्रों की समस्या आज कॉलेज में स्कॉलरशिप से लेकर के बहुत सारी समस्याएं कॉलेजों में एट्रोसिटीज होती हैं उनकी, कोई अगर उनके बीच में अगर कोई छात्र नेता बन के जाता है तो उनकी समस्याओं का निदान करता है। और जिस समाज का जिस देश का युवा, मेरा ऐसा मानना है, जिस देश का, जिस समाज का युवा अगर जागरूक हो गया, उसे अपनी शिक्षाओं के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, जो संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिले हैं, अगर उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई तो अपने आप में एक क्रांति होगी। और मेरा ऐसा मानना है, अगर मेरा बहन जी से ऐसा निवेदन है कि माननीय बहन जी तक अगर मेरी बात ये पहुंच जाती है, हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो माननीय बहन जी के चारों आसपास जो कुछ लोग लगे हुए हैं, और मैं किसी जाति उसकी बात नहीं कर रहा, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, जो माननीय बहन जी के बहुत ही विश्वास पात्र आप लोग, इसको हैं। किस तरह से देखते हैं अभी यूपी में पीछे हमारे बहुजन समाज के करीब कम से कम 40-50 लोग घायल हुए हैं, उसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठाकुरों द्वारा हमला हुआ है बहुत भयंकर तरीके से, तो इस तरह के जो हादसे हैं उसमें अक्सर मैंने देखा है, जब से भीम आर्मी बनी है, भीम आर्मी के सुप्रीमो या भीम आर्मी के वहां के जो लोकल बॉडी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो ऐसी जगह जाकर के मदद करते हैं, तो मैं जो अभी देख पा रहा हूँ उसमें बहुजन समाज पार्टी शायद पीछे मुझे नजर आती है, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है गौतम, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर के खड़े हो जाते थे, आज की डेट में सबसे पहले चंद्रशेखर और उनके भीम आर्मी की टीम वहां पहुंच जाती है। नहीं तो जब आप उस समाज की आवाज को उठाने का काम नहीं करेंगे तो वो समाज आपके साथ काम क्यों करेगा। गौतम रत्ना जी, ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के लीडर नहीं पहुंचते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर पहुंचते हैं, लेकिन वो ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। और रही बात आपने बताया ना, जहाँ ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज को 40-50 लोगों को मारा पीटा, वो ठाकुर समाज के, मैं वो छत्री समाज के लोगों को नहीं कहता, ये सामंतवादी लोग हैं गौतम साहब, ये मैं फिर जाति के खिलाफ हूँ कि ये जाति के लोग नहीं, ये उस मानसिकता के लोग हैं जो सामंतवादी व्यवस्था के तहत दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। छत्री समाज के लोग, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छत्री समाज के, जो बहुजन समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, फला फूलता हुआ देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम बताऊंगा जो छत्री समाज के लोगों ने
बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम किया है, लेकिन वो जो लोग हैं वो कभी क्षत्रिय समाज के नहीं हो सकते। वो हो सकता है जाति विशेष में पैदा हुए हों, उनकी मानसिकता है, लेकिन वो सामंतवादी लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। रही बात भीम आर्मी की, भीम आर्मी के लोग जाकर के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट एजेंट हैं वो, मेरा ऐसा मानना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों कि आज दिल्ली में जैसे चुनाव हुआ, उन्हें नहीं पता था दिल्ली में जो चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, वो जानते हैं कि जहां से उनको पैसा मिलता वहां जाकर के उनकी बात करते हैं, अपने लोगों को कह देते हैं भाई। जैसे अब मैं राजस्थान की आपको बात, दिल्ली में अभी जो भीम आर्मी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं सुजीत सम्राट एडवोकेट, मेरे स्टूडियो में आए थे एक बार जी, तो उन्होंने तो अभी खुलेआम केजरीवाल को समर्थन दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? जी मैं भाई उसी तरीके से बताना चाह रहा हूँ, जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कौन अम्बेडकरवाद की बात कर सकता है, बहुजन समाज पार्टी से कौन अम्बेडकरवाद का काम कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, 1% भी चिंता नहीं करी। गौतम साहब, माननीय बहन जी ने कहा सरकार जाए आए कोई बात नहीं, सरकार आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता ने, हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दलित समाज के लोगों को, दलित समाज के महापुरुषों को, पिछड़े समाज के महापुरुषों को, जो बहुजन समाज के हितैषी थे, जो बहुजन समाज को चाहते थे कि शासक वर्ग बने, उनको जाके सम्मान देने का काम किया है बहुजन समाज पार्टी की नेता ने। ये लोग क्या है, जैसे राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान में जाकर के इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, भीम आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने, मध्य प्रदेश में उन्होंने दिया। तो इस तरीके से ये बहुजन समाज पार्टी की, ये बहुजन समाज की बात नहीं, ये दलाली करने का काम करते हैं। सिर्फ कहते हैं कि जहां तो आपकी रैली होगी हमारे लोग पहुंच जाएंगे झंडा लेकर के, भीम आर्मी जय जय भीम, जय भीम जय भीम, ये जय भीम करके बाबा साहब के नाम को, हम कहते हैं बाबा साहब को मत मानो, बाबा साहब की बात को मान लो। जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने बाबा साहब की बात को मान लिया, आपने जहां तक बाबा साहब की बात की तो मैं प्रश्न चिन्ह जो बाबा साहब को जो अम्बेडकरवादी कहते हैं अपने आप को, जहां तक मेरा अपना मानना है, अगर कोई अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है और वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट नहीं करता है या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो नहीं करता है, तो मेरा अपना मानना है कि मैं उसको अम्बेडकरवादी मैं नहीं मानता कि वो अम्बेडकरवादी हो सकता है। तो ऐसा क्यों है कि लोग बाबा साहब जब कुछ उनके ऊपर अत्याचार होगा तो उनको अम्बेडकरवाद याद आता है, फिर उनको और संगठन याद आते हैं, लेकिन बाबा साहब के बौद्ध धर्म को, जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया उसको लोग अडॉप्ट क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या कारण है? गौतम रत्ना जी, विश्व का सबसे सुंदर अगर कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है। सम्राट अशोक के समय इस देश को सोने की चिड़िया कहने का जो गौरव प्राप्त हुआ बुद्धकालीन युग में वो हुआ। तो मैं तो इस देश के लोगों से कहता हूं कि ये बुद्ध धर्म ही ये ऐसा धर्म है, न इसमें मार काट है, न जाति है, न कोई कुछ है, यहाँ सबका समान सम्मान होता है और लोगों को भगवान, मैं कह रहा हूं भगवान बुद्ध को मत मानो, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, भगवान बुद्ध के पथ पर चल के देखो। किस गौतम रतानी जी, कोई माने या ना माने, मैं अपनी बात करता हूं, आप और आपकी बात करता हूं, अगर आपने बाबा साहब के कहे मार्ग पर 22 प्रतिज्ञा यानी 5 प्रतिज्ञाओं पर भी अगर चल लेगा आदमी, जो मध्यम मार्ग है, 22 प्रतिज्ञाएं तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं होती है, मैं करूं 5 प्रतिज्ञाओं पर भी चल ले तो आदमी का अपने आप कल्याण हो जाएगा, आदमी का अपने आप कल्याण हो जाएगा। लेकिन आदमी क्या चाहता है कि बुद्ध के मार्ग पर चलूं, नहीं सिर्फ गौतम बुद्ध करता रहूं, बौद्ध धर्म करता रहूं। जैसे कि अभी हमारे देश में बहुत सारे लोग बुद्ध के नाम पर बहुत सारे वो चला रखे हैं, संगठन चला रखे हैं, अगर उनके घर में जाके देखोगे तो सब पूजा पाठ, किसी के घर में काली, किसी के घर में भूरी, किसी के घर में पीली, सभी तरह की देवियां मिलेंगी, और जाके देखोगे सब गौतम साहब कुछ कोई माने या ना माने, लेकिन मैं दलित समाज के लोगों से विशेषकर कहूंगा कि दलित समाज के लोगों, तुम्हारा अगर भला कहीं हो सकता है अगर धार्मिक भावनाओं में, तो बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध के पथ पर चल करके आपका भला हो सकता है, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे पिछड़े समाज के हो। धर्म एक ऐसी चीज है गौतम रत्ना साहब, धर्म सबको स्वतंत्र है, आप किस धर्म को मानते हैं, ये किस धर्म को मानते हैं, कौन किस धर्म को मानता है, लेकिन मैं ये कहता हूं जो धर्म 90% बहुजन हिता है, बहुजन सुखाय की बात करता हो,
जो बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सबके लिए काम करता। बट मायावती जी ने तो उसको सर्वजन 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 हिताय बना दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने सामाजिक, धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक है, वो राजनीतिक है। राजनीति में होना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी आज बुद्ध को ही मानती हैं। अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, माननीय बहन जी को आपने किसी गुरुद्वारे किसी मंदिर में जाकर के नहीं देखा होगा। अगर जाती हैं सभी हमारे जैसे गुरु नानक साहब है गुरुद्वारे में या इस तरीके के, उनमें जरूर चली जाएंगे। माननीय बहन जी किसी अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं करती। माननीय बहन जी पूर्ण तरीके से, मेरा ऐसा मानना है कि वो उनसे पूरे फॉलो करती हैं, बुद्धिज्म की बात को फॉलो करती हैं, खाली कहने में भी विश्वास नहीं करती। तो साथियों, आप सुन रहे थे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर भनेश सिंह गौतम जी को, और हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्न अम्बेडकर निशन से, और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।